नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। नजर डालता है आज की खबरों की ओर। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में चल रहे वुमेन ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल में पहुंची थी। खास बात यह है कि इस मेले का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया था। सोनिया के इस कार्यक्रम में जाने से सियासी गलियारों में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 2019 लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों को एकजुट और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने का दौर चरम पर है। इस क्रम में गुरुवार को राजधानी दिल्ली में टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। यहाँ चंद्रबाबू नायडू तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करते नजर आए। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला से मिलने के बाद अब वो राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। जाहिर है कि विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन को खड़ा करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं शरद पवार ने भी गैर बीजेपी दलों को एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश और लोकतंत्र को बचाना हमारा लक्ष्य है, इसलिए गैर बीजेपी दलों के नेताओं को साथ आना होगा। जाहिर है कि इससे पहले भी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की एक दूसरे पर अपील करते दिखे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को रायपुर नगर उत्तर सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रायपुर नगर उत्तर से मौजूदा विधायक श्रीचंद सुंदर रानी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इसी के साथ बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आईएएस से राजनेता बने ओम प्रकाश चौधरी को बीजेपी ने खरसिया सीट से मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मतदाताओं को धमकी देते हुए कहा कि सही कामों में जो मेरा साथ नहीं देगा उन पर मैं कहर बनकर टूट पड़ूंगा। चौधरी का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में चौधरी कह रहे हैं कि सबको ये पता होना चाहिए कि मोदी जी 2019 में प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बना रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि 2018 में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह फिर से चौथी बार सरकार बना रहे हैं। बीजेपी का हिस्सा होने के कारण मैं बहुत पावरफुल आदमी रहूंगा। जिन लोगों ने सही चीजों के लिए मेरा साथ नहीं दिया मैं उसका भी साथ नहीं दूंगा। जो मेरा साथ नहीं देगा मैं उस पर कहर बनकर टूटूंगा। सबको पता होना चाहिए कि 2019 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बना रहे हैं। और आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि उस भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा होने के कारण मैं भी बहुत पावरफुल व्यक्ति रहूंगा। ये चीज आप लोगों को पता होगा। और आप लोग जो सही चीज के लिए सही चीजों के लिए मेरा साथ देंगे उनके लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा। जो सही चीजों के लिए साथ नहीं देंगे उनके ऊपर मैं कहर बनकर टूटूंगा, ये याद रखिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राम मंदिर बिल का समर्थन करने की बात कही है। संजय राउत का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो 10 मिनट में राम मंदिर पर कानून बन जाएगा और अब समय भी आ गया है कि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण पर अध्यादेश जारी करे। वहीं राउत ने मोदी सरकार को जगाने के लिए पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे की 25 नवंबर को अयोध्या जाने की बात भी कही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और हमें धैर्य रखना चाहिए। साथ ही अयोध्या में हम दिवाली के मौके पर भव्य दीप उत्सव का आयोजन कर रहे हैं और सरकार इसके लिए व्यापक प्रबंध कर रही है। योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत समाज के लोगों से अयोध्या में बात करने की बात भी कही है। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे बैठक में हुए शामिल। बैठक आयोग निगम बोर्ड और सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए। बैठक से पहले महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि पिछली सरकारों में निगमों को बोर्डों और आयोगों को अपनी सुख सुविधा का विषय बनाया था। हमारी सरकार निगमों बोर्डों का सही उपयोग और लोकहित में करेगी जिससे जनता का फायदा हो। विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक जीवन में काम करते रहे हैं और वो हमारे संगठन से भी जुड़े रहे हैं,
उनको विभिन्न विभिन्न आयोग बोर्डों में दायित्वों पर रखा गया है, तो उन सबको उचित मार्गदर्शन देने के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य बड़ा ही पवित्र है। ये जो निगम बोर्ड आयोग हैं, ये पहले की सरकारों में भी बनते रहे लोग, और मैं नहीं कहता कि सभी ऐसे बेकार ही लोग थे, कुछ उसमें भी अच्छे लोग रहे, लेकिन आमतौर पर इसे पीछे ये जो सपा बसपा और जो सरकारें गुजरी 15 साल, उन्होंने सुख सुविधा और ऐसे अपने प्रतिष्ठा का विषय केवल बनाया। सरकार घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या समुदाय को वापस उनके देश में म्यांमार भेजने की कोशिशों में जुट गई है, लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोई रोहिंग्या सुरक्षित जगह की तलाश में अब लद्दाख पहुंचने लगे हैं। अब तक करीब 55 रोहिंग्या लद्दाख पहुंच चुके हैं। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने 14 ट्रेनों को चिन्हित किया था जिसके जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में रोहिंग्या केरल में जाकर बस रहे थे। ग्रेटर नोएडा से लापता श्रीनगर का छात्र एहतेशाम बिलाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और 28 अक्टूबर से लापता है। इस मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट कर हस्तक्षेप की मांग की है। पिछले दिनों शारदा यूनिवर्सिटी में अफगानी और भारतीय मूल के छात्रों के बीच विवाद हुआ था, उस दौरान कश्मीर के छात्र एहतेशाम पर भी हमला हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अयुतानंद शुक्ल की देर रात हॉस्टल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त हुई जब हॉस्टल में एक छात्र नेता की बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने अयुतानंद शुक्ल का पैर छुआ, उसके बाद उसको सीने में गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी खुद अयुतानंद अस्पताल में भर्ती कराने भी ले गया, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक छात्र नेता के खिलाफ भी हत्या, रंगदारी और धमकी के बहुत से मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। घटना के बाद से यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाके में तनाव बना हुआ है और मौके पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आज बीती रात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसमें आवाज है उधर। उस पार्टी में कई लोग उपस्थित थे, जिसमें से ये जो मृतक है सुमित शुक्ला, ये भी मौजूद था और पार्टी का यही बेसिकली ऑर्गेनाइजर था। इसमें काफ़ी लोग इनके इकट्ठा हुए थे और उस पार्टी में ही कोई कहासुनी हुई, आपसी इनके विवाद हुई और विवाद होने के बाद थोड़ी देर में लगभग 1:30 बजे रात में उसमें का एक पक्ष आया और उसने सुमित को बुलाया और बुलाने पर बुला करके और पहले उनको गले लगाया और इसके बाद गोली मार दी पीठ पे। बलरामपुर के उत्तरौला क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं मृतका के परिजनों ने बुजुर्ग पर झूठे आरोप लगाकर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं में पटाखा फैक्ट्री के हादसे के बाद आगरा प्रशासन मामले को संज्ञान लेते हुए ग्राम धोरा में करीब 10 सालों से पटाखा बना रहे लोगों पर पटाखा बनाने का प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखा निर्माताओं का कहना है कि हमारे पास पटाखे बनाने का लाइसेंस है, फिर भी प्रशासन ने हमारा काम बंद करा दिया है। अभी आप जानते हैं कि बदायूं में एक दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें क्या कहते हैं ग्रामीण लोग जो हैं वो बिना मानकों के और बिना सुरक्षा के वो लोग अपने हाथ से पटाखे बनाते हैं, जिसकी वजह से एक विस्फोट हुआ। शासन से हम लोगों को भी दिशा निर्देश आया कि आप लोग मौके की जांच कीजिए और यदि ऐसा कोई होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए एसओ को और हम सब संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो साहब आए कल बिलने बंद करो है। लाइसेंस है आप लोग? हाँ लाइसेंस तो है। फिर क्या कारण रहा है, ऐसा क्यों मना किया उन्होंने? पता ना क्यों मना करिए। साल भर में एक बार आपने एक बार तो आ रहा था, यही काम करते हैं बस। अब आपका? मेरा नाम राजवीर है। राजवीर, कितने सालों से आप ये पटाखे बना रहे हैं? कम से कम 10 साल से बना रहे हैं हम और 18 साल हो गए और 3 साल का रिन्यू होता है, सही ना? और हमारे यही दिनाए 4-5 दिन के जो बंद करा दिया है। क्या लाइसेंस है आपके पास? हाँ है। फीस जमा करी है आपने? और क्या, 3 साल की।
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक बेबस बाप अपनी मृतक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल बीते 24 अक्टूबर को कुछ दबंगों ने उसके घर में ही उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित बाप दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जब विजयनगर थाना गया तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। विजयनगर पुलिस ने यह कहा कि मामला हरदोई थाने का है। वहीं गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस के ढूलमुल रवैये से पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। लड़की अजय ने और उनके भाई दो और तीनों ने मार के अपने कमरे में डाल लिया। अजय और विजय और अवधेश मतलब इन्होंने मार के अपने कमरे में रख लिया। हम ड्यूटी जा रहे थे रात में, तो 8 बजे हमको जबरदस्ती बैठाल के अपने कमरे में ले गए, तो वहाँ हमारी लड़की मरी पड़ी मिली। तो हमने उसे पकड़ के रोने लगे, तो वहाँ दो चार पाँच आदमी आ गए, तो उन्होंने हमको जबरदस्ती बंद करके और गाड़ी में डाल के लेके चले गए। मार मार के पीट पीट करके उसका दर्द पता नहीं क्या क्या मारा गया। तो ये अच्छी अलग हो गई, यहाँ पर मारा गया, ये मारा गया, यहाँ पर तार खींचे दिया गया, ये पता नहीं किस बात की रगड़। किन लोगों ने मारा आपकी बेटे में? 4 लोगों ने मारा। जिन पहचानते आप उन लोगों? जी हाँ। कौन है वो लोग? वो अवधेश है, विजय है, अजय है, एक है हरदेव। कौन लगते हैं आपके? वो हमारे सब भांजे। हरियाणा में एक बार फिर से पुलिस पर बदमाशों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा है। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लगा है, जहां कुछ दिन पहले एक दुकानदार से कुछ लोगों का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने अपने साथियों के साथ दोबारा आकर पीड़ित युवक के साथ उसके दुकान में घुसकर मारपीट की और उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने युवक को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम देकर भी धमकी दी। वहीं मारपीट की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित की मां जब थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की और पीड़ित की शिकायत लिखने की जगह युवक की मां को ही झूठे मामले में जेल भेजने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पीड़िता ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मैं यहाँ पे आई अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए कि क्या हुआ है, कुछ कार्रवाई की या नहीं की। जो लड़के बदतमीजी करके गए हैं, सरेआम उन्होंने पीटा है, उनसे उनकी तो कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मैं पूछ के गई हूँ, पूछने आई हूँ, तो मुझे महिला पुलिस की वो दी जा रही है और मुझे मतलब उसमें जेल में डालने के लिए धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले। मैं मनोहर लाल जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे पुलिस अधिकारी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप महिलाओं की इज्जत चाहते हैं और महिलाओं की अगर इस देश में इज्जत है, तो प्लीज ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे पुलिस अधिकारी को रहने का कोई नहीं है। यूपी के महाराजगंज में एसपी ने 1 नवंबर को यातायात महीने की शुरुआत की। इस मौके पर यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। इस दौरान एसपी ने सभी जरूरी कागजात और नियम की पाबंदी के लिए जिले भर में वाहन चेकिंग अभियान के निर्देश भी दिए। ये जनपद महाराजगंज में यातायात माह का प्रारंभ आज 1 तारीख से हुआ है और ये 30 नवंबर तक चलेगा। यातायात को लेकर के लोगों में जागरूकता जागृत करने के लिए और दुर्घटना रहित यातायात संचालित हो, इसके लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान 606 महिला और पुरुष उपनिरीक्षक कॉलेज से पास आउट हुए। ट्रेनिंग कॉलेज की आईजी ने सभी पास आउट हुए महिला और पुरुष उपनिरीक्षकों को दिया शुभकामनाएं देते हुए गरीबों की मदद करने की सलाह भी दी। वहीं परिजन भी अपने बेटे और बेटियों के कंधे पर स्टार लगते हुए बेहद खुश नजर आए। इसी के साथ सभी प्रशिक्षक गौरव महसूस करते हुए आम लोगों की सेवा करने की भी बात करते नजर आए। मीटू के तहत आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ताज होटल की पूर्व कार्यकारी सहायक ने तत्कालीन सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सराना पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। साल 2016 में उनका इस्तीफा रतन टाटा साइरस मिस्त्री विवाद के दौरान मीडिया में सामने आया था। राकेश सरना पर अंजलि पीड़ित नाम की एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मीटू अभियान की धारा ने उन्हें इस मामले पर बोलने के लिए प्रेरित किया है। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया फीचर अपडेट किया है, जिसकी मदद से ग्रुप में प्राइवेट रिप्लाई किया जा सकता है।
हालांकि ये कोई बड़ा फीचर नहीं है क्योंकि ये पहले ही कई सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में आ चुका है। ये फीचर ठीक रिप्लाई मैसेज की तरह ही काम किया करेगा। फिलहाल हमारी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देख रहे हैं लाइव 24। नमस्कार।